चलिए राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो कैसी रहेगी आज के दिन मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी आज के दिन इनकी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए अगर आपकी मेष राशि है ना, तो आपके मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में है और आपके धन भाव का स्वामी इस समय कर्क राशि में है। दोनों की तृतीय एकादश स्थिति में मेलापक हो रहा है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि आज आपके धन में वृद्धि होगी और आज पूरे दिन आप काम में व्यस्त रहेंगे। लेकिन एक बात जो दिखाई दे रही है वो ये कि जीवन साथी से बेवजह अनबन हो सकती है और यदि कभी आपको सरदर्द की बीमारी रही है तो वो बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। कहीं आज नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए, अन्न का किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बुध है और आय भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की पंचम नवम स्नेहा दृष्टि इस बात का संकेत है कि यदि पहले से आपने कहीं निवेश किया हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो उससे आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की होगी, लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे तो इससे रिश्तों में दरार बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों का राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ सिंह राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन मिथुन राशि से व्यय भाव का स्वामी शुक्र इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज मिथुन राशि के जातक धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे और यदि नौकरी के क्यू में हैं, आप नौकरी की लाइन में हैं, तो नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो घुटनों में दर्द की भी समस्या हो सकती है। आज आपको किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, जान लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, किस तरह की उलझने हो सकती हैं और उन उलझनों को सुलझाएं कैसे। देखिए ऐसा है, कर्क राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है और चंद्रमा अब मकर राशि में पहुंच चुका है, जो कर्क राशि पर अपनी पूरी दृष्टि दे रहा है। तो कहने का आशय ये है, शुक्र और चंद्रमा की प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि ताजिक मत के अनुसार इस बात का संकेत है कि आज आपका धन खर्च बढ़ेगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए, घर में मेहमानों का आना हो सकता है और पुरानी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। पैसों का लेन देन ध्यान से करें, हनुमान चालीसा का मन से पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है सिंह राशि वालों का राशिफल, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका ग्रह गोचर तो इस समय बहुत अच्छा चल ही रहा है। आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय अपनी राशि में है, इससे अच्छा क्या हो सकता है।
द्वितीय भाव का स्वामी बुध साथ में है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अयाचित धन लाभ योग है, आप प्रयास करोगे तब भी, ना प्रयास करोगे तब भी आपका कारोबार बढ़ता रहेगा। साथ काम करने वाले लोग पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ काम करेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते भी अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन एक बात है जिसे भी मैं कहना चाहूँगा, वो बात ये है कि आपके दशम का स्वामी द्वादश में है, काम के बोझ के अधिकता के कारण आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। तो काम उतना ही कीजिए जितना काम आनंद से आप कर सकें, उतना काम मत करिए जो काम आपको स्ट्रेस से करना पड़े। और आज आपको प्रॉपर्टी भूल करके भी नहीं खरीदनी चाहिए, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने बुध की कन्या राशि वालों की हम बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी आज, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए अगर आपकी कन्या राशि है तो आज तो आपके ग्रहचार अच्छे नहीं हैं। अच्छे इसलिए नहीं है कि आपका राशि स्वामी बुध व्यय भाव में बैठा हुआ है, कहीं आप पैसा लगाएंगे उसमें नुकसान हो जाएगा। नौकरी में आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ट्रांसफ़र एक तरह का पनिशमेंट ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से पंचम नवम है, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आँखों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, दूसरों के मामलों से आपको दूर रहना चाहिए, बेवजह दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि ग्रह गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कह रहा है, क्योंकि आपके व्यय भाव में मंगल आ गया है, आपके राशि में केतु की स्थिति है, तो ऐसे में आज आपके न चाहते हुए भी कर्ज की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आज पूरे दिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। कोई गुड न्यूज आज आपको मिलने वाली है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। आपको अपनी गोपनीयता किसी से साझा नहीं करना चाहिए और हो सके तो शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। देखिए आपकी वृश्चिक राशि है और मंगल को देखते हुए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज किसी कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। काम से जुड़ी कोई यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और अपनों से जल्द मुलाकात होने वाली है। अपना खान पान अच्छा रखें, किसी को धोखा बिल्कुल ना दें, शिक्षा से जुड़ा सामान जरूरतमंदों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि से पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए और द्वितीय भाव में चंद्रमा को देखते हुए मैं इस बात के निष्कर्ष पर पहुँच रहा हूँ कि अगर आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हैं तो आप आज शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज ध्यान से आप अपना काम करिए, क्योंकि आज आपको आपके काम के बदले तारीफ मिलने वाली है और सारे पुराने विवाद भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। रोग को अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा और किसी के काम का श्रेय मत लीजिएगा वरना बाद में बदनामी होगी। हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिएगा,
शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, तो क्या कहता है मकर राशि वालों का राशिफल, कैसा रहने वाला है आज उनका दिन, जान लेते हैं। देखिए आज का ग्रह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके नवम भाव में मंगल भले विराजमान है लेकिन नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में मृत्यु भाव में है, तो अगर आप यात्रा करेंगे तो पैसों का तगड़ा नुकसान होगा और यात्रा नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिवार पर कोई बेवजह का फैसला मत थोपिए कि उसे लोग नहीं चाहते हैं तब भी माने, और किसी तरह का स्वयं भी आपको मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए, निवेश करने से बचना चाहिए, वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव को देखते हुए और चतुर्थ भाव को देखते हुए इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अगर आज कोई प्रॉपर्टी डील आप करते हैं तो उससे आपको धन लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आज कोई न कोई डील आपके हाथ लगने वाली है। ऑफिस में किसी से विवाद न करें, धैर्य रखें, रिश्ते सुधरेंगे। घुटनों का दर्द आपको भी परेशान कर सकता है। नौकरी आपको नहीं बदलनी चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल हम जान लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है आज इनका पूरा दिन। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो स्थिति है शनि की 12वें भाव में, इससे तो यही लग रहा है कि धन खर्च बढ़ेगा। आप अपना काम पूरा एकाग्रता के साथ करिए, ध्यानपूर्वक अपने काम को करिए, सफलता मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुधरेगा। शांत मन, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। आलस्य बिल्कुल न करिए, गाय को चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।